हनुमान जी के हमारे शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के मंत्र मौजूद हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज कलयुग में शीघ्र फल प्रदान कर देने वाले देवता माने जाते हैं और हर प्रकार के जीवन में आने वाली बाधा को दूर करने में हनुमान जी सक्षम हैं। हर प्रकार की विपत्ति और संकट का नाश करने के लिए भी हनुमान जी की उपासना बड़ी ही उपयुक्त और सर्वोपरि मानी जाती है। मंगलवार और शनिवार, इन दोनों वार को भगवान हनुमान जी की उपासना की जा सकती है। आज मैं आपको रामायण की एक ऐसी चमत्कारिक चौपाई बताने जा रहा हूँ, जो चौपाई होने के साथ साथ में एक ताकतवर मंत्र है। मात्र ओम का संपुट देने से यह एक महामंत्र बन जाता है और जीवन में आ रही प्रत्येक बाधा या बड़ी से बड़ी विपदा या बाधा को दूर करने में यह सक्षम है और सबसे चमत्कारी मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का जप करने से पूर्व व्यक्ति को चाहिए कि वह हनुमान जी के अंदर अटूट श्रद्धा रखे, नित्य हनुमान चालीसा का सुबह और सायंकाल में पाठ करे और मंगलवार को अवश्य हनुमान जी के मंदिर जाकर के दर्शन करें, उनको गुड़ और चमेली का तेल का दीपक प्रज्वलित करें, तत्पश्चात उनको सिंदूर अर्पित करें। इस प्रकार से हनुमान जी की उपासना की जाती है और इस प्रकार पूजा करने के बाद में इस मंत्र की मात्र एक माला फेरने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि यह मंत्र स्वतः जागृत हो जाता है और स्वयं सिद्ध बन जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम कवन सोच काज कठि जगमाई, जो नहीं होई ताज तुम पाई। ओम कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। यह मंत्र बड़ा ही चमत्कारी और शीघ्र प्रभावी है और हर प्रकार की बाधा विपत्ति संकट को दूर करने में सक्षम माना जाता है। और संकट की घड़ी में मात्र एक बार इस मंत्र का उच्चारण करने से तुरंत ही आपकी बाधा दूर हो जाएगी, चाहे कैसा भी कार्य क्यों ना हो, बाधा तुरंत दूर हो जाती है। इसलिए इस मंत्र को बड़ा ही चमत्कारी बताया गया है और यह चौपाई बड़ी ही ताकतवर है और मंत्र भी है, इसलिए अवश्य ही इसका उपयोग हमें करना चाहिए। मंत्र दोबारा सुने, ओम कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। यानी कि जैसा कार्य, जो कार्य कभी हो ही नहीं सकता, हनुमान जी के लिए वह कार्य बहुत आसान होता है, इसलिए इस मंत्र को बड़ा ही ताकतवर माना गया है। यानी कि चाहे कैसा भी कठिन से कठिन कार्य क्यों ना हो, हनुमान जी अवश्य ही उसे पूर्ण कर देते हैं, बाधा दूर कर देते हैं। इसलिए यह मंत्र बड़ा ही चमत्कारी है और हनुमान जी के मंगलवार को इस मंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। मात्र एक माला जप करने के पश्चात में इस मंत्र को मात्र एक बार किसी भी आवश्यक कार्य पर जाने से पूर्व, निकलने से पूर्व बोल करके निकलें, आप देखेंगे कि आपके कार्य में किसी प्रकार का विघ्न या बाधा नहीं आएगी। और किसी भी प्रकार की अगर बाधा, और भी बड़ी बाधा जीवन में आ रही है, तो नित्य 21 दिन तक एक माला इस मंत्र की करने से हर प्रकार की बड़ी से बड़ी विपदा संकट बाधा टल जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जय बजरंगबली।